नमस्कार, मैं निशी शर्मा, स्वागत है आपका जनप्रवाद में। अगर आपने अपना आधार और पैन कार्ड अभी तक लिंक नहीं किया है और जुर्माने से बचना चाहते हैं, तो ये खबर आपके लिए ही है। केंद्र प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने 29 मार्च को नोटिफिकेशन जारी करके कहा है, पैन को बायोमेट्रिक आधार कार्ड से जोड़ने की आखिरी तिथि 31 मार्च 2022 है। इनकम टैक्स विभाग ने 30 मार्च को कहा कि अगर 31 मार्च 2022 तक आधार और पैन लिंक नहीं किया गया तो ₹1,000 तक का जुर्माना देना होगा। इसके साथ ही मार्च 2023 के बाद आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा। वहीं इनकम टैक्स विभाग ने ये भी साफ किया है, आधार पैन को लिंक नहीं कराने पर आप मार्च 2023 तक ITR फाइल, रिफंड और अन्य प्रतिक्रियाओं को तो पूरा कर सकेंगे, लेकिन इसके लिए जुर्माना देना होगा। तो वहीं CBDT ने कहा है कि अगर 31 मार्च 2022 तक लिंक नहीं होता है तो पहले 3 महीने यानी 30 जून 2022 तक ₹500 का जुर्माना देना होगा। इसके बाद भी लिंक नहीं करने पर टैक्स पेयर को ₹1,000 का जुर्माना देना होगा। आपको बता दें, इस दौरान आपके पैन कार्ड डीएक्टिवेट रहेगा और जुर्माना भरने के बाद अपने आप एक्टिव हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो आपको बता दें कि पैन और आधार कार्ड को लिंक करना सरकार ने इसलिए अनिवार्य किया है ताकि देश में डुप्लीकेट पैन कार्ड और टैक्स चोरी को रोका जा सके। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार 24 जनवरी 2022 तक 43 करोड़ 34 लाख पैन कार्ड आधार से लिंक किए जा चुके हैं। वहीं आंकड़ों के अनुसार देश भर में अभी तक 131 करोड़ आधार कार्ड जारी हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आधार और पैन कार्ड लिंक कहां से और कैसे होगा, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपको बताएंगे कि घर बैठे बैठे कैसे आप आसानी से अपना आधार और पैन कार्ड लिंक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाएं, फिर लिंक आधार पर क्लिक करें। वहां अपना आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर और अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर दर्ज करें। इसके बाद OTP दर्ज करें, बाद में लिंक आधार पर क्लिक करें। ये प्रतिक्रिया पूरे होते ही आपका आधार और पैन कार्ड लिंक हो जाएगा। अब अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो भी आप आसानी से अपना आधार और पैन कार्ड लिंक कर सकते हैं। इसके लिए अपने मोबाइल के SMS में जाकर UDPN टाइप करें। इसके बाद 12 अंकों का आधार नंबर डालें और स्पेस देकर 10 अंकों का पैन कार्ड नंबर डालें। फिर इसे 567678 या 561611 पर भेज दें। आपका आधार और पैन कार्ड लिंक हो जाएगा, यानी बिना किसी परेशानी के आप आसानी से अपना आधार और पैन कार्ड लिंक कर सकते हैं। अब यदि आप लिंकिंग स्टेटस जानना चाहते हैं तो ये भी आप आसानी से जान सकते हैं। इसके लिए आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर लिंक आधार पर क्लिक करें, फिर स्टेटस देखने के लिए क्लिक बटन पर क्लिक करें, फिर यहाँ आधार और पैन कार्ड का विवरण भरें। अब अगर आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक है तो यहाँ वह दिखाई देगा। पैन कार्ड के अलावा आपको बता दें कि कल से यानी 1 अप्रैल से कई नियमों में भी बदलाव किए जाएंगे। इसका असर आपकी कमाई, खर्चे और निवेश पर पड़ेगा। जैसे कि जिन कर्मचारियों के PF अकाउंट में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा जमा होते हैं, उन्हें ब्याज पर इनकम टैक्स देना होगा। टैक्स कैलकुलेशन के लिए अमाउंट को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा, एक में छूट वाला योगदान तो दूसरे में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा वाला योगदान होगा जो कि टैक्सेबल होगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए यह सीमा 5 लाख रुपए तक रहेगी। वहीं वर्चुअल करेंसी पर भी 1 अप्रैल से कर संबंधी स्पष्ट नियम लागू होंगे। वर्चुअल डिजिटल एक्सेस या क्रिप्टो पर 30% टैक्स लगेगा। यदि किसी व्यक्ति को क्रिप्टो करेंसी बेचने पर फायदा होता है तो उसे टैक्स देना होगा। बिक्री पर 1 जुलाई से 1% TDS भी काटा जाएगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।